ये खबर भिवानी से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 एचटेट का आयोजन 7 व 8 दिसंबर 2024 यानी शनिवार और रविवार को करवाया जा रहा है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि सरकार ने एचटेट परीक्षा के आयोजन की अनुमति दे दी है। उन्होंने बताया कि एचटेट परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। 8 दिसंबर को एचटेट की परीक्षाएं करवाएंगे। 7 तारीख को हमने लेवल 3 की परीक्षा करवानी है, जिसके अंदर समय 3:30 से 5:30 बजे तक का रहेगा। और 8 दिसंबर को जिस दिन इतवार होगा उस दिन लेवल 2 की और लेवल 1 की परीक्षा होगी। लेवल 2 की परीक्षा है सुबह 10 से 12:30 बजे तक रहेगी और लेवल 1 की परीक्षा है जो 3 से 5:30 बजे तक रहेगी। तो ये समय सारणी और तिथियाँ, इसकी आज सरकार से अनुमति मिलने के बाद आज हमने विधिवत रूप से ऑफिशियली हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी इसे नोट करें और जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा को देना चाहते हैं वो अपनी तैयारी के साथ, बहुत जल्दी ही फॉर्म रिलीज हो जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट जो हमारी बोर्ड की भी है www.bseh.org.in पर सारी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाल दिया जाएगा और बहुत ही जल्दी जो है हम इसका रजिस्ट्रेशन आने वाले समय में शुरू कर देंगे। विशेष अनुमति लेनी पड़ी है क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, क्योंकि डेट तो पहले डिक्लेयर हो चुकी थी और परीक्षाओं के लिए कोई इसकी हमें अनुमति इसलिए लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो एप्लीकेबिलिटी क्लॉज है कि किस पर ये एप्लीकेबल होती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके तहत जो ऑर्गेनाइजेशन सेंटर या स्टेट द्वारा फुल्ली या पार्शली फंडेड हैं उनके ऊपर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। हमने लीगल राय लेने के बाद, फाइल पे आने के बाद जो है ये डिसीजन लिया कि जो पहले से ही MCC लगने से पहले ही ये डेट्स हमारे पास आ चुके थे उनकी आज विधिवत रूप से घोषणा कर दी है। सर फॉर्म कब से कब तक भरेगा? बहुत जल्दी ही जो है फॉर्म भी अवेलेबल हो जाएंगे, विद इन 10 to 15 days में हम फॉर्म लाइव कर देंगे। फीस में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव है? नहीं, फीस में किसी तरह की भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जो फीस पहले थी वही फीस तय है। जी 1000। आपको नहीं लगता सर इस बार अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी, कागजात कम होगी क्योंकि लाइफ टाइम किया गया है जो प्रमाण पत्र जी की? एक निर्णय जो सरकार का था बड़ा सराहनीय निर्णय है, अगर इसे लाइफ टाइम कर दिया गया तो ये जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके हक में है। जो कैंडिडेट की स्ट्रेंथ है तो मैं समझता हूँ कि कम ज़्यादा हो सकती है।